हेलो फ्रेंड्स, ममता किचन स्टार हिंदी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं हरी चटनी। तो देखिए, हमने इसके लिए क्या क्या लिया है, और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है। ये देखिए, हमने धनिया पत्ती लिए हैं, इसके लिए तोड़कर हमने रख लिया है। अभी हमने वॉश नहीं की, इसे वॉश करेंगे। ये पुदीना की पत्तियाँ हैं जिसे हमने तोड़ कर रख लिया, इसको भी वॉश करेंगे। हरी मिर्च हैं 10 से 12, इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जिस हिसाब से आपको स्पाइसी पसंद हो। थोड़े से जीरे के दाने लिए हैं हमने, और 1/2 टीस्पून नमक, और या फिर आप कहें तो स्वाद अनुसार। थोड़ी सी दही ली है हमने इसके लिए, ये छोटी वाली 4 चम्मच दही है, इसको डालकर बनाएंगे, जिससे इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो पहले हम इन सब चीज़ों को वॉश कर लेंगे, उसके बाद बनाते हैं चटनी। समझ में नहीं आती। ये देखिए, वॉश कर लिया हमने, अब हम इसे इसके अंदर डाल देंगे। ये भी ऐड करेंगे। थोड़ी सी हमने हींग का पानी लिया है इसमें, आप हींग कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इसको खोल के देख लेंगे हम। अगर आपको लग रहा है कि आपकी चटनी नहीं पिस रही है, पानी कम है, तो आप 1-2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हो। मैंने हींग का पानी ऐड किया है, इसलिए आराम से पिस चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल तैयार है चटनी हमारी। अब हम इसको दही के अंदर मिक्स करेंगे अच्छे से। फैट लेंगे हम, ये देखिए। अब इसे खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखना, मुझे बताना कि आपको चटनी कैसी लगी। देखिए दोस्तों, चटनी हमारी बनकर तैयार है। आप इसको ब्रेड के साथ, ब्रेड पकौड़ों के साथ, और आलू के पकौड़ों के साथ, या फिर कोई भी पकौड़ों के साथ शेयर कर सकते हो, जिसके साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। पराठों के साथ, छोले भटूरे के साथ भी अच्छी लगती है, और पनीर टिक्का के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे बनाना और बताना मुझे कमेंट में कि आपको चटनी की वीडियो कैसी लगी और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।